क्या बेटे क्या हो मम्मा इलो पानी पिया क्या बेटे बोलो तो एग्जाम में लिखा है तो रो के तबियत खराब कर लेते आपकी कई बुने लिखा रहे एग्जाम चालन बताओ फीजत बनो बोल के एस यू पी एस की स्टूडेंट है ना आप ये सुल्तान स्कूल है क्या नाम है टीचर का आपके हाँ फिर दोस्त चलो पानी पियो पानी आपका अब्दुल रशीद कौन सी क्लास है आपकी एट डी कैसे भेजे आपको फीस कौन सा स्कूल है आपका सुल्तानुल्लाह टीचर का नाम क्या है आपके करीम मुनीसा कौन से कौन से सब्जेक्ट के टीचर है वो इंग्लिश क्या बोल क्या बोले फीस नीचे अच्छी बात है ठहरो यहाँ पे नीचे जाओ बोले समर में आपका अब्दुल रशीद कौन सी क्लास है आपकी Definitely the management will misguide us by saying that about our fees. Fees issue is not there. Now the present complaint is for the want of fees, बच्चों को return नहीं कर सकते. DO साहब already बोल दिए. अगर वैसा रहता तो बाहर से बाहर भी जाते. अंदर बुला के कोई punishment क्यों देना? अंदर बुला के क्यों करना? बच्चों के वास्ते बच्चे रात भर पढ़ के आके करें. Exam लिखना fees नहीं है तो हमारे से recover जो करना है करो. Fees का structure कौन से? DO का direction है. Human Rights Commission का direction है कि to charge fees as per the GO 2019-20. They are charging. They increase the fees. They are adding the other fees. So which is unlawful. भाई फोन कल 4 बजे फोन करके बोले ओके साहब हम 1920 के वाले फॉलो करते फोन पे क्यों कर रहे हैं वी आर आस्किंग देयर टू इशू अ सर्कुलर गेट अ क्लैरिटी सर्कुलर एचआरसी के डायरेक्शन है डीओ के डायरेक्शन काल में पेपर से जो सब कुछ कॉल करे पर नहीं नहीं वो चेंज करते हो पे करते हो ये सर्कुलर जो है ना यहां पे रिवाइज दैट सर्कुलर एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर किधर है वो कहा है जी अपने कहने 700 अभी वो नहीं चेंज करे ओरल बोले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके ये इस हिसाब से अपन उलो हमारे को मतलब कंफ्यूज कर रहा है लिहाजा आप अपन अपनी मेन जो बात है उसके ऊपर तवज्जो दीजिए दूसरे चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं तो वो दूसरी चीज़ों में मत जाइए सही स्ट्रक्चर रिवाइज साइन होके आना है बढ़ाने के बाद से साइन होके आई ना बड़ी जफर जावेद बोल के सुने आप तो अभी भी साइन होके आने का है साइन होना नहीं ना जो भी है बढ़ाते हो खुद परमिशन बोर्ड का रेजोल्यूशन पास नहीं करते कुछ भी नहीं करते ये ऐसा दिख रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन को तबाह करने वाला एक ही आदमी है जो जो मैंने बोर्ड के रूल्स को रेगुलेशन को वो नहीं कर रहा हमारा इंस्टीट्यूशन से लड़ाई नहीं है हमारी मैनेजमेंट के मिसयूज की लड़ाई है हमारी और देखिए यहाँ पे थोड़े जने बैठे हुए लेकिन तमाम कई लाख 400 स्टूडेंट्स का मसला है तो ये जो फीस एक्स्ट्रा ले लिए क्या उन्हें वापस देंगे पेरेंट्स को वापस देना चाहिए जब एक्स्ट्रा फीस आ गई उनकी रिटर्न नहीं करते अब का भी और अब न्याय से फीस को बच्चों को बाहर भिजाते हैं रूल है क्या बताओ तो लिहाजा अब ये डीओ को हम अपन कॉल करें इंशाल्लाह डीओ का ऑफिसर भी आ रहा और बच्चों का एग्जाम आज लिखा ही जाना ऐसा नहीं समझ आता है आपको जिम्मे